हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसी आंटी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट उन सभी एनआई स्टूडेंट के लिए जो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का। तो सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ, हर डाउट में क्लियर करने वाली हूँ। बस प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एनओएसबी क्लास 12th के एग्ज़ाम कैंसिल करेगा, जी हाँ 100% पॉसिबल करेगा, क्योंकि सीबीएसई ने जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया तो एनओएसबी करेगा। और मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो बात है तो ये जून वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, ना कि अक्टूबर वालों के बच्चों की, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आपको वेट करना है नोटिफिकेशन का, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। कल मोदी जी ने फैसला ले चुके हैं 12th के एग्ज़ाम को लेकर, और जल्दी ही आपको भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। एनओएस भी जल्दी अनाउंस करने वाला है कि आपके भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो एक डाउट आपका ये क्लियर होता है। अब आपके मन में सेकेंड डाउट चल रहा है फ्रेंड्स कि एनओएस 12th क्लास रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वैसे अभी तो एग्ज़ाम का ही पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होता है नहीं होता है। तो जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का भी टाइम लग जाएगा, वैसे उनको जुलाई एंड तक और अगस्त फर्स्ट लग जाएगा, तो यही आपका भी मान लेते हैं जुलाई एंड या फर्स्ट अगस्त तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन जो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों को बहुत डाउट चल रहे थे कि बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इस बार क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो अब आपका क्वेश्चन है आपका कि एनआईएस रिजल्ट किस बेस पर डिक्लेयर करेगा। देखो, सीबीएसई ने तो असेसमेंट के आधार पर बोल दिया है कि रिजल्ट बनाइए, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आपने जो असाइनमेंट है आपके आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर आपका जो है रिजल्ट बनेगा, ये आपके लिए है, ठीक है ना। क्योंकि आपने असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं किए थे तो कर चुके होंगे, क्योंकि लास्ट डे तक निकल चुकी है। जिन्होंने नहीं करे उनका बैड लक, ठीक है। जिन्होंने भी असाइनमेंट सबमिट किया उन्हीं का रिजल्ट आएगा। अब है आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, क्या एनआईएस के एग्ज़ाम होने चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और क्या बेटर रहेगा, क्या ऑप्शन ठीक रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी हर न्यूज़ के लिए, हर अपडेट्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मैं देने वाली हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।